क्रिकेट की इनसाइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले क्रिकेट की एक्सक्लूसिव खबरें। चेन्नई सुपर किंग्स को मुंबई इंडियंस ने करारी मात दी और एक बार फिर साबित हो गया कि धोनी नहीं होंगे तो सीएसके का क्या हाल होगा। लेकिन अब सबसे बुरी और हैरान करने वाली खबर ये है कि शायद धोनी अगला मैच भी ना खेलें, और बताया तो ये भी जा रहा है कि पूरे आईपीएल से ही धोनी खुद को बाहर भी कर सकते हैं। तो आप भी धोनी को लेकर कमेंट जरूर करें। वैसे तो धोनी कमर में दर्द की वजह से हैदराबाद के खिलाफ मैच नहीं खेले थे, मगर इस बार मुंबई के खिलाफ वो होटल से स्टेडियम ही नहीं आए और बताया गया कि धोनी को बुखार है। मगर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये है कि धोनी को बुखार नहीं बल्कि कमर में ही दर्द ज्यादा था और इसीलिए धोनी मुंबई के खिलाफ मैच नहीं खेले। क्योंकि मैच के बाद कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने भी बहुत कुछ कहा। चेन्नई के कोच फ्लेमिंग ने कहा कि धोनी अब रिकवर कर रहे हैं, यानी अब बुखार होता तो फ्लेमिंग कहते बुखार उतर जाएगा तो वो अगला मैच खेलेंगे। लेकिन फ्लेमिंग ने ऐसा कुछ नहीं कहा और कहा कि धोनी के नहीं रहने से टीम में बड़ा होल रह गया, धोनी रिकवर कर रहे हैं और जल्द ही मैदान में वापसी करेंगे। रिकवर कर रहे हैं यानी कि धोनी कमर दर्द से ठीक हो रहे हैं। लेकिन फ्लेमिंग ने यह भी नहीं कहा कि धोनी अगला मैच खेलेंगे, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि धोनी की कमर की हालत ज्यादा ही खराब है और शायद खुद धोनी वर्ल्ड कप की खातिर आराम कर रहे हैं। और वैसे भी चेन्नई की टीम प्लेऑफ में तो पहुंच चुकी है, ऐसे में संभावना ये भी है कि धोनी अब सीधे प्लेऑफ के ही मैच खेलें, क्योंकि वो खुद को वर्ल्ड कप के लिए फिट रखना चाहते हैं और इसके बारे में पहले भी कह चुके हैं। हालांकि धोनी अगर अगला मैच खेले तो वो इंजेक्शन लगाकर ही खेलेंगे, इतना तय है। तो हम तो यही दुआ करेंगे कि धोनी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और जल्द से जल्द मैदान में वापसी करें। आपका क्या कहना है, आप भी कमेंट जरूर करें धोनी के लिए। और आपको सीएसके के कोच स्टीफन फ्लेमिंग का पूरा इंटरव्यू देखना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।